हेलो गाइस, आप सबका चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो पे आज हम लोग बात करने वाले हैं एक स्टॉक जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए भी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इंट्राडे के लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और लॉन्ग टर्म तो इन्वेस्टिंग पर ही आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था वीडियो पे, और यहाँ पे मैंने क्लियरली बोला था कि अभी जो मार्केट क्लोजिंग दिया है इस रेंज के आसपास, जो कह सकते हैं 16,478, जो निफ्टी 50 का भी मैं चार्ट का बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कल जो है मार्केट क्लोजिंग दिया 16,478 के आसपास। तो कल जैसे कि मैंने बोला कि निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का जो हालत है बहुत ही खस्ता है, तो यहाँ पे आज देखिए कितना बड़ा गैप ओपन हुआ, 16,478 से क्लोजिंग हुआ था, आज जो ओपनिंग हुआ वो अराउंड समथिंग हुआ 16,281 के आसपास। तो आप देख ही सकते हो उसके बाद नीचे जो है आज मार्केट ने इसको क्लोजिंग देके आज जो है मार्केट ख़त्म कर दिया। तो निफ्टी बैंक का भी जो है सेम ही हालत है, आप देख सकते हो, ये मैंने डेली चार्ट लगाया है। यहाँ पे कल मार्केट जो है हाई लगाया और क्लोजिंग किया 35,075। कल मैंने क्लियरली बोला था कोई भी हाई जो है वो ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। देखिए स्लोली स्लोली जो है नीचे गैप डाउन ओपन कर रहा है, नीचे क्लोजिंग दे रहा है, नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, फिर ऊपर हाई क्लोजिंग दे रहा है, फिर अगेन गैप डाउन हो रहा है। तो ये जो है धीरे धीरे मार्केट जो है भी नीचे ही जा रहा है, जब तक कि उसको एक अच्छा लेवल नहीं मिल जाता एक सपोर्ट के लिए, तब तक वो मार्केट नीचे ही जाता रहेगा। तो निफ्टी 50 में देख लेते हैं कि निफ्टी 50 में क्या होता है। देखिए निफ्टी बैंक जो है सेकेंडरी आप कह सकते हैं इंडेक्स है, क्योंकि निफ्टी बैंक जो होता है वो सारे स्टॉक्स के मिला के नहीं होते, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उनको लेके निफ्टी बैंक का ओवरव्यू बनता है। बट अगर निफ्टी 50 का मैं बात करूँ, ये एक ऐसा इंडेक्स है जो भी जितना भी स्टॉक्स है, मेनली कह सकते हैं टॉप 20 जो भी स्टॉक्स है इसके अंदर में इन्वॉल्व होते हैं, वो जो है इंडेक्स उसको रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो बैंक हो या फिर अदर कोई भी स्टॉक हो, मतलब कोई भी सेक्टर का बात हो। तो इसमें देखेंगे कि निफ्टी 50 का जो स्टॉक अभी, मतलब स्टॉक तो नहीं, इंडेक्स जो है फ़िलहाल 16,201 पे है। तो जो मुझे ये चार्ट कह रहा है कि अभी प्राइस देखिए यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो आपको चार्ट ट्रेडिंग ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि 18,450 हाई लगाया, तो तब तो बड़ी खुशी महसूस हो रही कि भाई निफ्टी इससे और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। बट ये देखिए कंटिन्यूसली हर एक मंथ जो है साइडवेज जा रहा है, साइडवेज जा रहा है, और यहाँ पे जब एक अच्छा खासा एक फॉल आया तो यहाँ पे इस लेवल पे इसको सपोर्ट मिला 15,641 के आसपास, फिर जब ये ऊपर गया फिर से ये डाउन आया 15,641 के आसपास। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि 15,641 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। बट ये ऑलरेडी देखिए ये जो सपोर्ट लेवल पहले हुआ करता था, यहाँ पे एक बार टेस्ट किया, यहाँ पे एक बार टेस्ट किया, तो अभी फिर से ये वापस ही आ रहा है। तो देखिए अभी इसको हमेशा याद रखिएगा कि 16,201 पे इसको नीचे आना ही आना है जब तक कि उसको अच्छा एक सपोर्ट नहीं मिल जाता। तो मार्केट अप ट्रेंड का तो अभी कुछ भी सिनेरियो नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा ताकि हमें कुछ ऐसा पैटर्न दिखे, प्राइस ऑफ एक्शन दिखे, जिससे कि हम लोग कंफर्म कर सके कि मार्केट अभी यहाँ से जो है ट्रेंड रिवर्स कर चुका है, मार्केट का डायरेक्शन अभी चेंज हो चुका है या होने वाला है, उससे हम लोग कन्फर्मेशन देखेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी जो है मार्केट डाउन पे है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी सारे स्टॉक्स है स्पेशली इंट्राडे पर्पज़ के लिए आप अगर देख रहे हो तो उसको सेलिंग करने के लिए ही देखो, आप बाइंग के लिए नहीं देखो, क्योंकि बाइंग के लिए अभी वैसा कुछ सिनेरियो बना ही नहीं है। तो अगर आप बाय कर रहे हो तो आप अपना रिस्क जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहे हो, आपका कैपिटल पर भी खतरा भी आ सकता है। तो अभी देखेंगे कि ये निफ्टी 50 का जो है ये कितना नीचे लगा सकता है। तो देखिए मेरे जो एनालिसिस जो हो रहा है, मतलब कह सकते हैं कि मुझे जो है 14,700 का लेवल का आसपास मुझे दिख रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम पे देखूँ, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, 14,700 पे देखिए मुझे यहाँ पे एक इस लेवल पे ब्रेकआउट ऊपर नज़र आ रहा है। तो मेरे लिए यहाँ पे एक पहला सपोर्ट जोन होगा 14,700 के आसपास। यहाँ पे पहला बार अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे भी मैं आपको निफ्टी के लिए एक अच्छा ऐसा अगर कॉल प्रोवाइड करूँगा, अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो।
तो अभी के लिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो मार्केट तो डेफिनेटली नीचे आने ही वाला है, क्योंकि ये देखिए, ये आप अगर वो चार्ट पैटर्न वगैरह या फिर लाइंस वगैरह फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्लियर कट आपको एक व्यू नज़र आ जाएगा। ये देखिए प्राइस कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है, यहाँ पे हिट हुआ फिर डाउन, यहाँ पे हिट हुआ डाउन। तो हमें बस इसका वेट करना है 15,641 का ब्रेक होने का, उसके बाद ये जो 14,700 लेवल आएगा फिर वहाँ से हम लोग एक बाई के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और जैसे आपको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का रोल क्या होता है, जितना बार वो हिट करेगा वो लेवल उतना लो मतलब कमज़ोर हो जाएगा। तो मे भी इस बार जो यहाँ से 14,700 से जो हमें अपमूव देखने को मिले, इस बार इस वाले ट्रेंड लाइन को ये तोड़ के ऊपर जाएगा। अगर एक बार ये तोड़ के ऊपर चला गया तो हमें डेफिनेटली जो है मार्केट ट्रेंड जो चेंज होता हुआ हमें नज़र आएगा। तो ये था निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का एनालिसिस करना तो मैं ज़रूरी नहीं समझता, बट फिर भी ये सेम ही है, ये जो है निफ्टी 50 को ही फॉलो करके जाता है। तो मैं इसका भी सेम ही बोलूँगा, 29,000 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, 29 या 30,000 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। वहाँ से हमें एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक फ्रेश सपोर्ट होगा, वहाँ पर बहुत हैवी वे में बाइंग होगा। तो जो भी सेलर यहाँ पे भी आ रहे हैं वो मैं और एक स्टॉक पे अभी आप समझाने वाला हूँ क्यों मैं वो लेवल के बाय करने के लिए कह रहा हूँ। तो निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का तो कुछ एनालिसिस ये था। तो अभी मेन आते हैं वो स्टॉक पे जो मैं आपको इंट्राडे बेसिस के लिए भी मैं कहूँगा कर सकते हैं, या शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर सकते हैं। तो वो स्टॉक का नाम है IB रियल स्टेट, ठीक है, जो इंडिया बुल का रियल स्टेट है वो स्टॉक का बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये जो है प्राइस इसका आप देख सकते हो, पहले मैं बता दूं ये 192 हाई मार के आया था, अभी इसका प्राइस जो है एकदम उसका आधा का आधा हो गया, 50% से डाउन आ गया है। क्यों मैं इसको इतना प्रेफर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट मैं आपको थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। जो एक स्टॉक है SBIN, जो कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थोड़ा सा उसका हिस्ट्री जान लेते हैं, उसका हिस्ट्री क्या मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए जो इसका प्राइस है मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ये एक लेवल है, मान लीजिए 336। यहाँ पे देखिए 2010 में 339 का हाई मारा था, यहाँ पे 2015 में 330 का हाई मारा था, ठीक है, फिर यहाँ पे जब लो मारा आप देख सकते हो इस रेंज पे लो मारा। तो देखिए यहाँ पे जब भी इस लेवल पे अगेन अप गया, इस लेवल पे गया अप गया, इस लेवल पे गया अगेन अप गया है, इस लेवल पे अगेन डाउन आया, अगेन इस बार जो है तोड़ के ऊपर ही चला गया। तो स्टॉक जो होता है अगर आप उसको इंट्राडे बेसिस पे, देखिए मैं इस लेवल पे बाय करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट जोन है। सेम अगर उस IB रियल स्टेट का बात करें तो वो भी सेम स्टेज पे ही है, ठीक है। तो अभी हम लोग का प्लान क्या रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो होता है वो आपने सुना ही होगा कि हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ, तो ये होता है सेम चीज़। तो SBI के हम लोग को ये जानने को मिला कि भाई हम लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो IB रियल स्टेट भी एक ऐसा स्टॉक है, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, IB रियल स्टेट भी ऐसा स्टॉक है। देखिए जब भी इस लेवल पे आया है इस लेवल से अप गया, तो ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी हालांकि प्राइस ये 70 रुपीज़ है, बट ये कभी ना कभी तो ये 53 और 46 लेवल पे आएगा ही। तो यहाँ पे आप बाय कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि ज़ेल में भी आपको मैं आप दिखा देता हूँ कि ज़ेल भी जब हम लोगों ने कॉल दिया था इसका 223 के आसपास, तो यहाँ से भी हम लोग को काफ़ी अच्छा मतलब प्रॉफिट मिला था। तो ये IB रियल स्टेट भी मुझे वैसे ही मुझे नज़र आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसका सबसे पहले मैं डेली पे चलता हूँ, डेली पे इसका प्राइस ऑफ एक्शन देखते हैं। तो ये आपको मैंने दिखा दिया था SBI का स्टोरी, अब इसका स्टोरी देखिए। ये जो स्टोरी है 193 तक या 194 तक हाई मारा कह सकते हैं, उसके बाद प्राइस कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है, उसका आधा का आधा हो गया है। इसका प्रीवियसली प्राइस हिस्ट्री चेक करेंगे तो जब भी इस लेवल पे आया है अप गया है, इस लेवल पे है अप गया है, इस लेवल पे आया है अप गया है। तो यहाँ पे मेरा पूरा पूरी यहाँ पे जो एनालिसिस है ये कह रहा है कि जब भी ये प्राइस पे अगेन आएगा, अभी 70 पे है, 53 पॉइंट जो मेरा बाइंग लेवल है, मैं आपको वो एक बार जो है आपको मैं दिखा देता हूँ।
तो मेरा जो बाइंग लेवल होने वाला है, सबसे पहले मैं आपको वो मेंशन करके दे रहा हूँ। तो ये मेरा बाय रेंज है। बाय रेंज क्या होने वाला है आप यहाँ पे देख सकते हो। बाय रेंज होने वाला है 53.15 और 46.50। इसी बीच में अगर आपको ये प्राइस में, मतलब ये प्राइस में अगर आपको मिल जाता है तो आपको डेफिनेटली बाय करके रख देना चाहिए। जो इसका इंट्राडे बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो दो से चार दिनों में आपका मोर देन 1:2 या उससे ज़्यादा आपको इजीली टारगेट दे देगा, मेरे को जो लगता है। और दूसरा बात जो है, इसका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। देखिए, स्टॉप लॉस आपका अलग अलग डिपेंड करता है। अगर आप मान लीजिए इसको जो है 46.50 पे एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस 43.70 आसपास होना चाहिए। बट अगर आप इसको 53.15 में एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बट उसके हिसाब से अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट का बात करूं तो वहां पे आपका क्वांटिटी लेस हो जाएगा। ठीक है, इस प्राइस पे अगर आप लोगे तो आपका क्वांटिटी लेस हो जाएगा। अगर आप इस प्राइस पे, अगर मतलब 46.50 प्राइस पे अगर आप लेते हो तो आपका क्वांटिटी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ रिस्क मैनेजमेंट पे थोड़ा सा फोकस करके हमेशा ट्रेडिंग कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका कैपिटल जो है सेव रहता है। तो आपने इसका जो है समझ लिया होगा कि किस रेंज पे बाय करना है, तो कितना आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। जो मेरा फाइनल स्टॉप लॉस है वो 43.70 ही रहेगा। उसको मॉडिफाई करने का कोशिश मत कीजिएगा। बट अगर उसको आप मॉडिफाई कर रहे हो तो उसको अगेन आपका जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, जिससे आपका जो लॉस होगा वो फिक्स हो जाएगा कि भाई इतना ही लॉस होना ही होना है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आप उसके हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। बट ये रेंज आप यकीन करो, ये बहुत अच्छा रेंज है मुझे जो लगता है। तो मैं इसको पर्सनली बाय करने वाला हूँ जब ये लेवल आएगा तो। ठीक है, अब बात करते हैं टारगेट का। तो इसको मैं थोड़ा सा खिचड़ी हो गया है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब बात करते हैं टारगेट का। देखिए, टारगेट मैं अभी इसीलिए फाइनलाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक साइडवेज ये प्राइस आया, इसी बीच में अभी जो है साइडवेज कर रहा है। तो जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं एक श्योरिटी हो जाऊंगा कि पहला टारगेट जो होगा 70 होने वाला है। एज डिफ़ॉल्ट अगर मैं बात करूं, पहला टारगेट जो वो 70 होने वाला है। तो आपको अगर यहां पे देखिए इस प्राइस रेंज में अगर आप जो भी एंट्री ले रहे हो उसके हिसाब से 1:2 अगर आपका टारगेट हो जाता है ना, तो हमेशा आप ट्रेल करो, वेट मत करो प्रॉफिट कब होगा कब नहीं। ट्रेल करने से आपका जो प्रॉफिट होगा वो आप बुक करते जाओगे। सपोज़ आपका मार्केट रिवर्स हो जाता है, इसका मतलब आप वहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट करके ही निकलोगे। इसलिए हमेशा उसको ट्रेल करना सीखो। उसके बाद जब आप इसको प्राइस में आप 70 पहुंच जाएगा तो ये आपका पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट जो है मैंने इसका 100 रखा हुआ है। तीसरा टारगेट जो है मैंने इसका 140 रखा हुआ है, जो कि बहुत दूर का टारगेट है, जो थोड़ा सा टाइम में लग सकता है क्योंकि मार्केट अभी जिस तरह का है। तो उस हिसाब से ये लॉन्ग टर्म जो ट्रेडिंग है या जो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से जो है 140 का टारगेट है और 100 का टारगेट है। इंट्राडे बेसिस पे अगर आपको 53 से आपका 70 भी जाता है तो काफ़ी अच्छा आपका जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो बस ये था इतना ही इस स्टॉक के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपके स्टॉक के बारे में समझ आ गया होगा। तो और एक चीज़ यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए प्राइस जो है, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ। प्राइस जो है देखिए इस लेवल पे, देखिए ये जो है 190 के आसपास होगा शायद तक। तो 190 से इस कदर यहाँ पे सेलिंग ऐसा आ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि भाई कितना सेलिंग? अभी ये तो नहीं कि सेलिंग करते करते ज़ीरो ही चला जाएगा, है ना? तो ये जो सेलिंग प्रेशर है इसको कहीं ना कहीं तो ये रुकना ही पड़ेगा। तो यही जोन जो है 53 पॉइंट, पता नहीं समथिंग कितना था, 15 और 46.50, यही जो लेवल है इसको रोकेगा और यहीं से प्राइस रिवर्स करेगा, ये मेरा मानना है। तो कहीं ना कहीं ये टायर्ड हो जाएगा, फिर यहाँ से ही बाइंग जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। तो इसीलिए मुझे ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको आप वॉच लिस्ट पर रखिए। अगर आप इसको ट्रेड नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते, बट मैं एटलीस्ट ये कहूँगा कि आप इसको मॉनिटर करो कि मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ या कॉल दे रहा हूँ उसके हिसाब से प्राइस मूव कर रहा है या नहीं।
और अगर आपका और कुछ व्यूज़ है इस स्टॉक को लेके तो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट रीड करूँगा और उस पर गौर करूँगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं ऐसे कोई वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।